हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विशाल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एचपी पुलिस कांस्टेबल एंड फर्स्ट गार्ड के लिए साइंस का पार्ट थ्री करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके, और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहें। आप हमारे चैनल पर, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एंड फ्रेश गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको जीके, मैथ, इंग्लिश की और सभी सेक्शन की वीडियो आप यहां पे देख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इन क्वेश्चन को जरूर आप याद रखें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। तो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन फर्स्ट का है उसका आंसर रहेगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है केमोथेरेपी संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, केमोथेरेपी किससे संबंधित है? तो वो है कैंसर के इलाज से। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर, केमोथेरेपी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट रोग होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एचपी को भी कोई भी एग्जाम हो उसमें ये जरूर पूछा जाता है। एथलीट फुट रोग जो होता है वो फंगस से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी लेते हैं। तो तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए खिलाड़ी क्या लेते हैं? तो वो लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारा कोई भी खाने की चीज़ होती है उसको बचाने के लिए, यानी कि खराब होने से बचाने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? तो वो कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, एसिटिक एसिड वो होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे। तो जो कोशिका शब्द था उसका निर्माण, जो उनके बारे में बताया था वो थे रॉबर्ट हुक। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिका शब्द के प्रतिपादक कौन थे? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है दूध में युक्त प्रोटीन होता है। तो क्या होता है? होता है कैसीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो होता है इंसुलिन की कमी के कारण। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बेसिक क्वेश्चन है, आप इनको जरूर याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास है मूत्र में गंध होता है। तो किसके कारण होते हैं? वो होता है अमोनिया के कारण। तो फ्रेंड्स, उसमें अमोनिया होता है, उसमें गंध होती है, तो वो अमोनिया के कारण होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है लार। लार में उपस्थित एंजाइम है। तो जो हमारी लार होती है तो उसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो होता है टॉयलिन। ठीक है फ्रेंड्स, टाइलिन जिसका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। तो आयरन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है पालक के पत्ते में। ठीक है फ्रेंड्स, पालक के पत्ते में जो है आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है मिनी माता। ठीक है फ्रेंड्स, और एक आयरन की कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। एनीमिया जो, ठीक है फ्रेंड्स, एनीमिया, ठीक है फ्रेंड्स, एनीमिया जो रोग है वो होता है किसकी कमी से? आयरन की कमी से। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। फोर ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ पे एनीमिया लिखा होगा, वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी माता रोग होता है, तो वो किससे होता है? वो होता है जल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो वो है दुग्ध विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं कौन है? वो है एमएस स्वामीनाथ। इसका राइट आंसर है एमएस स्वामीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेलुलोज बना होता है, तो सेलुलोज ग्लूकोज का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, तो वो क्या उत्पन्न करती है? वो करती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, मसूड़ों से खून आता है, तो किसकी कमी के कारण आता है? वो आता है विटामिन सी की कमी के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेंसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है। जो पेंसिलिन है वो कहाँ से प्राप्त होता है? ये एक प्रतिजैविक है, और कहाँ से? वो कवक से प्राप्त होता है। ये राइट आंसर है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है क्या? एंजाइम भी एक प्रोटीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये राइट आंसर है इसका। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो, और जो नेक्स्ट पार्ट है साइंस का वो कल आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपकी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।